ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में एम्बुलेंस चालक के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित एम्बुलेंस चालक का आरोप है कि अवैध वसूली के लिए उसके साथ अस्पताल में पदस्थ लैब टेक्नीशियन ने मारपीट की। वहीं पीड़ित एम्बुलेंस चालक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जय आरोग्य अस्पताल समूह ग्वालियर अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ एम्बुलेंस चालकों में विवाद अब आम बात हो गई है। ताजा मामला शनिवार सुबह का है। एम्बुलेंस चालक नवीन शर्मा ने अस्पताल में पदस्थ एक लैब टेक्नीशियन योगेंद्र परमार पर मारपीट करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। नवीन का कहना है कि योगेंद्र परमार नामक लैब टेक्नीशियन आए दिन रुपयों की मांग करता है और एम्बुलेंस लगवाने के नाम पर 5,000 रुपए लेता है। नवीन का आरोप है कि उसकी 2 एम्बुलेंस हैं जो उसने रोजगार की मजबूरी के लिए खरीदी थी, लेकिन अब लगातार वसूली से वो परेशान है। इस मामले में अब कंपू थाने में भी आरोपियों की शिकायत की गई है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, योगेंद्र परमार है, ये हमेशा हमसे 100-200 रुपए मांगता है और 5,000 रुपए इसने अंदर गाड़ी पास कराई के लिए सर, क्योंकि हम तो गरीब आदमी है तो हमको गाड़ी चलाना है तो हमको देने पड़े सर। वो हमारी भी गलती है कि हमने दिए, लेकिन ये इसने जबरदस्ती हम पे दबाव डाला सर। मेरे पास सवेरे आया ये, तो मेरी किसी गार्ड वाले से थोड़ी बहस हुई थी तो उसने मेरे को आके बदतमीजी से बात की, तो मैंने बोला सर आप गाली गलौज ना करें, ठीक है ना, अवैध व्यवहार ना करें मेरे से, आप दोनों का पक्ष सुने उसके बाद में मेरे से बोलें। तो मेरे को बदतमीजी से बोला सर, और मेरे को साइड में ले गया और मेरे को बोलता है कि तू यहाँ पे हॉस्पिटल में रह नहीं पाएगा, गाड़ी नहीं चला पाएगा, तेरी गाड़ी निरस्त करा दूंगा, तू मेरे से बदतमीजी करता है। और उसके बाद में सर मैंने बोला कि आप मेरी पक्ष भी तो सुनो, मेरा भी तो मेरे को उठा के चांटे मारने लगा सर, और मेरे पेशाब में लात मार दी सर, मेरे अभी तक दर्द हो रहा है सर। जीएच कैंपस में अभी एक एम्बुलेंस वालों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। उनका कुछ कर्मचारियों पर आरोप है पार्किंग को लेकर, वो आवेदन दे रहे हैं, आवेदन लेकर उनकी जाँच की जाएगी। अब इसके लिए तो उनको जो है जेएच अधीक्षक महोदय और डीएम साहब को आवेदन करना चाहिए। बेसिकली हुआ क्या था, आज विवाद का कारण क्या था? कोई कर्मचारी है वहाँ पर जो ये एम्बुलेंस का वो देखते हैं पार्किंग वगैरह, उनके बीच पार्किंग को लेकर कोई विवाद हुआ है किसी एम्बुलेंस वाले से, वातावरण हुआ है, तो उसकी उस शिकायत करने यहाँ आए हैं। तो क्या कोई FIR वगैरह दर्ज किया? नहीं, FIR लायक मुझे ऐसा मामला नहीं है, जाँच करके जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।